Morning class, welcome to the online studies of Max Divine. Today is your GK class. I am your GK teacher, Miss Amranaz. Today's topic is topic 1, myself, and topic 2, my emotions. So let's start. So students, take out your GK book, page number 3, chapter number 1, myself, means माई सेल्फ के मीन्स होते हैं खुद, अपने बारे में। यहाँ आप अपने बारे में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आई एम अ गर्ल बॉय। अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल पर टिक करिए, बॉय हैं तो बॉय पर टिक करना है आपको यहाँ। सेकेंड इज आई एम स्पेशल। मैं बहुत स्पेशल हूँ। Nobody in this world is the same as me. मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। My name is, यहाँ आपको अपना नेम लिखना है। Third is, this year I will have candles on my cake. इस साल मेरे केक पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. 7 कैंडल्स होंगी। बट आपको यहाँ, आप जितने ईयर्स के हो आपको उतनी कैंडल्स लिखनी है। ओके, अगर आप 5 ईयर्स के हो तो आप यहाँ 5 कैंडल्स लिखेंगे, और अगर आप 6 ईयर्स के हैं तो आप यहाँ 6 कैंडल्स लिखेंगे। हाउ हैवी एम आई, मैं कितना भारी हूँ। ओके, सो आई वेग केजीज। आप यहाँ अपना वेट करेंगे, और आप अगर 17 किलोग्राम के हैं तो आप यहाँ 17 लिखेंगे, और अगर 18 के हैं 18, आप सभी अपना वेट यहाँ लिखेंगे। ओके, दिस इज़ माई थंब इम्प्रेशन। यहाँ आप अपने थंब को कलर में, वाटर कलर में डिप कर कर यहाँ प्रिंट करेंगे। ओके, माई शू साइज इज, यहाँ आपको अपना शू का साइज लिखना है। हाउ टॉल एम आई, मैं कितना लंबा हूँ या मैं कितनी लंबी हूँ। अब आप यहाँ मुझे अपनी हाइट बताएंगे। आई एम डैश फीट डैश इंचिस टॉल। यहाँ आप अपनी, आपको यहाँ अपनी हाइट लिखनी है। आप कितने फीट के हो और कितने इंचेस के हो, आप यहाँ अपनी हाइट करने के बाद यहाँ उसे नोट कर देंगे। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। यहाँ आप डेट लिखेंगे और यहाँ आप मंथ लिखेंगे। दिस इज मी, यहाँ आपको अपना फोटो पेस्ट करना है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक माई सेल्फ कम्प्लीट होता है। ये वर्क आपको बहुत अच्छे से करना है। सेकंड टॉपिक इज़ माई इमोशंस। इमोशंस कहते हैं भावनाओं को। भावनाएं मीन्स, जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो ये सभी जो होते हैं हमारी इमोशंस होते हैं। जैसे फर्स्ट इमोशन है हमारा यहाँ HAPPY, हैप्पी। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा फेस एकदम स्माइली फेस होता है, जैसे यहाँ है। तो ये जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तब हमारा ये इमोशन होता है। सेकंड इज SAD, सैड। और जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल इस टाइप का होता है, इस तरह से एकदम सैड, बहुत ज़्यादा। SCARED, स्कैड। जब हम बहुत डर जाते हैं तो हम एकदम, हमारा इमोशन जो होता है वो एकदम स्कैड इमोशन होता है, बहुत डरा हुआ सा, इस तरह। ANGRY, एंग्री। और जब हम बहुत, हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमारा फेस इस टाइप का हमें इमोशन देता है, एकदम एंग्री वाला। हमने यहाँ कितने इमोशंस पढ़े, हैप्पी, सैड, स्कैड, एंग्री,
मेरे साथ साथ लर्न करिए सभी लोग। हैप्पी, सैड, स्कैड, एंग्री। अब हम यहाँ एक एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज। लुक एट द गिवन पिक्चर, टिक राइट द स्माइली डेट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इट्स मूड इन ईच पिक्चर। दी गई पिक्चर्स को देखिए और उन स्माइली पर टिक करिए जो सबसे अच्छी तरह से इन बॉय और गर्ल के मूड को दर्शाती हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ये बॉय, जैसे फर्स्ट है हमारा ये बॉय, ये बॉय हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा है ना, बहुत हैप्पी लग रहा है ना, इसके पास इसका टॉय है, ये बहुत हैप्पी है। तो हम यहाँ हैप्पी वाले स्माइली पर राइट का टिक कर देंगे। अब ये गर्ल पेंटिंग कर रही है पर बहुत सैड लग रही है ना, तो अब हम यहाँ सैड स्माइली ढूंढकर हम सैड स्माइली पर टिक करेंगे। ओके, ये बॉय देखिए स्टेयर्स से गिर गया है और बहुत डरा हुआ है, सो हम यहाँ स्कैट पर टिक करेंगे। गर्ल, हाउ इसकी आइसक्रीम गिर गई है, हाउ सैड, और ये बहुत ज़्यादा सैड है, तो हम यहाँ सैड इमोशंस पर टिक करेंगे। ओके, ये भी वर्क आपको बहुत अच्छे से करना है और ये सभी इमोशंस आपको विद स्पेलिंग लर्न करने हैं। यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक माई इमोशंस कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।